गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। तो दोस्तों अभी हो गया है बारिश वाला मौसम और हम आपको लेके जा रहे हैं मेला दिखाने के लिए। और हमारे सोनू भाई ने कुछ अभी शॉपिंग करनी है। क्या क्या करनी है? मैंने बहुत सारा सामान लेना था और उसको उठाना है। अब उठाना है बढ़िया बढ़िया जो है कंबल चाहिए। बहुत सस्ता सामान मिलता है इस मेले में, तो हम भी जो है शाम को कंबल खरीदेंगे। गागाना भाई ने पता क्या लिए? क्या लिया गागा भाई? घर के बर्तन लिए। और ये अकेला बंदा भाई? मैंने लिए। अच्छा भाई, इसने भी तो लिए बर्तन यार घर के, क्योंकि मैं बन चुका हूं फैमिली वाला। एक शादियों के करीब गोली गुंजू गुंजू गुंजू। अब वो गुंजू देख लीजिए, पता है कोई बात नहीं, देखने दो। गुंजू क्या कह रहा है? देखे गुंजू कहा है तू यार, कितनी गलत बात है। तो अभी चलिए मेला घूमते हैं और आप लोगों को भी घुमाते हैं कि लास्ट दिन में क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या सेल लगी हुई है। जैसे मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि भाई लास्ट दिन बचा है मेले का और इस मेले में आप लोगों को लास्ट दिन इतना सस्ता सामान मिलेगा। तो ये वीडियो में आप लोग पूरी वीडियो देखना, उसी के साथ बारिश पड़ने वाली है, बारिश भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं वीडियो। हमारे गोली ने जो है शॉपिंग कर ली है अच्छी खासी, आज कंबल ले लिए हैं 8000 रुपये। अच्छा क्या है ये भाई साहब भी देख रहे हैं कोई बढ़िया सा कंबल, जो ये कंबल ढूंढ रहे हैं ना इन्हें मिल नहीं रहा। देखो तब देखते हैं कौन सा कंबल मिलता है। और यहाँ पे चढ़ने लगे हैं झरने, तो भयंकर बारिश के साथ आप लोग देख सकते हैं नैनीताल का खूबसूरत नज़ारे। ये देखो कितने प्यारे व्यू है सामने के। देखो अभी कहाँ जाना है? अभी कुछ खाना। तो झूले जो हैं बंद हो चुके हैं और बारिश आ गई है इसी मारे जो है झूले बंद हो चुके हैं। भाई को हमारे लग गई है भूख, तो अभी बिरयानी चल रही है यहाँ पे देखें। और यहाँ पे देखो चूल्हा चल रहा है, गरम गरम जो है आनंद ले रहे हैं। और इधर जो है ठंड में देखो बिरयानी खा रहे हैं। ये देखो हमारे गागा भाई और इधर सोनू भाई, इधर हमारा छोटा सोनू भाई। ये और नहीं, हम नहीं खाएंगे भाई, बिल्कुल बिरयानी नहीं खानी है, पेट भरा है सुबह से। और जब से मेला लगा ना गाइस, तो हम यहीं पे खाना खा रहे हैं डेली, क्योंकि भाई साहब इतना टेस्टी खाना, इतना मज़ेदार वाला खाना बनाते हैं। अगर आप लोग आना चाहते हैं शाम तक, तो जल्दी आ जाइए और एक बार ज़रूर यहाँ विजिट करिए और यहाँ पर खा के देखिएगा। यहाँ पे देखो ये ओलो भैया आप रोटी भी बनाने लग गए भाई हमारे। और यहाँ पे हमेशा आपको इसी तरीके से यहाँ पे भीड़ देखने के लिए मिलेगी। ये पूरी वाली मार्केट जो है दोस्तों खाने की है। और यहाँ पे देख सकते हैं बारिश में से क्या है, जो लोग बाहर घूम रहे थे वो जो हैं अपनी दुकानों के अंदर चले गए हैं, जहाँ पे अपनी अपनी फेवरेट चीज़ें मिल रही हैं, जैसे मैगी चाउमीन कॉफ़ी ये चीज़ें मिल रही हैं। तो वो अपनी मनपसंद चीज़ें वाली दुकानों पर अंदर चले गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो चाउमीन मोमो थुप्पा सब कुछ मिल रहा है। और ये पूरी मार्केट देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ से लेके ये मार्केट वहाँ तक जो है पूरी खाने पीने की मार्केट है। तो यहाँ से हमारे सोनू भाई आ रहे हैं, गागा भाई आ रहे हैं। यहाँ देखो भैया, यहाँ छोले पूरी भी मिल रहे हैं, चाउमीन मिल रहे हैं, मतलब खाने पीने का सारा आइटम आप लोगों को इस वाली गली में मिल जाएगा। ये देखे अरे सोनू भाई ले रहे, क्या देख रहे? हाँ भाई, अब मैं गन लेता था, ये गन आ गई, ये गन आ गए थे। ये भाई साहब इतना मजा आता भाई, ये अगर ये गोलियाँ खत्म हो जाती ना, फिर हम गोलियाँ ढूंढते फिरते रहते थे, गोलियाँ कहाँ मिलेंगी। और पहले 5-5 रुपए की मिलती थी, अब तो बहुत महंगी होंगी। अब बंदूकें कितनी होंगी भैया? 120 30 रुपए की ली थी बचपन में। हाँ तो और दोनों साइड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी भीड़ हो रही है, क्योंकि मेले का है लास्ट दिन। कल जो है 12-1 बजे तक पूरी मार्केट जो है खाली चाहिए, पूरी सब कुछ उठ जाएगा यहाँ पे देखें। और इसके बाद हम आ गए एक अचार वाली दुकान है, पता नहीं क्या है यहाँ पे। तो भाई जल्दी जल्दी आ जाइए, फिर जो है मेला हट जाएगा, फिर आप लोगों को ये सब कुछ देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अभी हम आ गए हैं फुटपाथ वाली साइड में, जहाँ पे पूरी फुटपाथ मार्केट लगी थी। तो कल शाम तक गाइस ये पूरा मैदान खाली हो जाएगा,
जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, दुकानें लगे हैं, ठेले लगे हैं, फुटपाथ हल्के हल्की दुकानें छोटी छोटी लगी हैं, तो सब कुछ जो है कल शाम तक पूरा खाली हो जाएगा। पर आज भी यहाँ पे काफ़ी लोग बार आए हुए हैं क्योंकि मेले का लास्ट दिन है। तो जैसे गाइस बारिश रुकी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी भीड़ हमें जो है दिखने के लगेगी। आप इधर भी देखें, यहाँ पे मतलब ऐसा ऐसा सामान मिला है कि हमने कभी देखा नहीं था भाई। इतने बढ़िया बढ़िया सस्ते सस्ते आइटम मिल लेना कि हमने सोचा नहीं था भाई इस मेले में इतना सस्ता सस्ता सामान मिलेगा। पहले जब पार्सल मेला लगा था तो इतना सामान सस्ता नहीं था जितना इस बार है। तो आप लोगों को सब दिखाते हैं और आप लोगों ने कुछ देख भी लिया होगा ये। और भैया देखो टैटू वाला, जिसके अंदर हिम्मत है टैटू वगैरह बनवा सकते हैं। भैया हमारे हाथ में तो इतनी ताकत नहीं है कि हम टैटू बना सकें, भैया बहुत ज़्यादा दर्द होता है और हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे सोनू भाई फरमाइश कर रहे हैं टैटू बनाने के लिए। नहीं भैया, हेलो गाइस, आप आइए, टैटू बनाना नहीं है, कढ़ाई ले जाइए आपके लिए बहुत कम लगा देंगे, देख लीजिए उन्हें डिस्काउंट दे देंगे। नहीं साढ़े 300 की पड़ जाएगी। तो सोनू भाई क्या क्या लिया अभी आपने? जल्दी आ जाइए भाई, आप लोगों को बता रहे हैं भाई। बाय बाय, खैरियत से हैं? अरे बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। तो अब हम आ गए हैं मार्केट साइड, और मार्केट साइड देखिएगा भैया, जैसी बारिश रुक गई है तो यहाँ पे भीड़ तो भयंकर हो गई है, आप खुद देखे हैं ये। और इस भीड़ में निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है ये। और अभी जो है गागा ने भी कंबल ले लिया है, सोनू ने भी कंबल ले लिया है, और अब क्या लेते हैं वो भी दिखाते हैं, और क्या क्या बिक रहा है मेले में और कितना सस्ता हो गया है लास्ट दिन वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। देखो आपको हर जगह जो सेल आपको नज़र आएगी, आवाज़ लगाते हैं सब लोग जो है, भैया कोई 20 रुपये का सामान, कोई 50 रुपये का सामान, कोई 500 रुपये का सामान, कोई 400 रुपये का सामान, इसी तरीके से आप लोगों को जगह जगह से आवाज़ें सुनाई देंगे। देख ये पता नहीं क्या अनोखी चीज़ आया। देखो हाँ भैया क्या हाँ ये भाई साहब को पता है बहुत। एक एक करके डालनी है अलग अलग। तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं। तो गाइज ये वाला भी जो है सारे नंबर लगाना है, जो भी अपना नंबर जो है जिस पर हम डाल लेंगे वो नंबर पे अगर बॉल चली गई तो हम लक्की पिन हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ सोनू देखो डाल लें ये, क्या बात भाई ने देखो गोल्डिंग जीत लिया। देखो 18 पे देखो गोल्डिंग आई, देखो कितना बड़ा गिफ्ट है भाई साहब, देखो गिफ्ट जीत लिया। तो अब ये फिर सोनू भाई कर रहे हैं देखो। अबे काफी अच्छी भीड़ बढ़ चुकी है दोस्तों बारिश के बाद, और अभी भी ये देखिएगा हल्के हल्के रिमझिम यहाँ पे बूंदे पड़ रही हैं। और सबसे ज्यादा जो हमें भीड़ देखने के लिए मिल रही है वो मिल रही है रजाई और कंबलों की दुकान पे। ये देखो सामने ये रजाई है, तो यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं, बराबर में कंबल है, यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, इसी के बराबर में फिर जो है लिहाफ गद्दे वाली दुकान आ गई है, तो यहाँ पे भीड़ देखो आप। और इसके बाद फिर यहाँ पे देखो ये भी जो है रजाई गद्दों की ही दुकान है यहाँ पे ये। तो अभी जैसा हमने आपको बताया था यहाँ पे जो भीड़ देखने को मिली है रजाई गद्दों की दुकान पे, बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम आ गए हैं। देखो ये देखो हरकत क्या कर रही है, ये देखो क्या हरकतें कर रहे हैं, देख रहे हैं ये हरकतें करते हुए चलने का भाई। ओए बाप बच गया भाई। हेलो गाइस, हम सब आज के भैया चोर है, हमारे लिए माल बढ़िया बेच रहे हैं, बढ़िया बढ़िया माल नहीं है फल्ली से दशहरे के मेले में। और सोनू भाई ने कर ली है देखो शॉपिंग। हेलो गाइस, अगर आप लोगों को भी इसी तरीके से शॉपिंग करनी है तो आज आज का जो है शाम तक का टाइम है, और कल दोपहर 12 बजे तक जो है सारी दुकानें हट जाएंगी, फिर आप लोगों को इतना सस्ता सामान मिलने लगेगा। यहाँ पर सारे हमारे जो खरीदारी करके ला रहे हैं अब ये बेच रहे हैं आप लोगों को। और हमारे आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आ गए हम बर्तन वाली दुकान पे, बर्तन वाली दुकान से भी यहाँ पे शॉपिंग कर ली गई है। जैसा हमने आपको बताया था भैया जो है
शॉपिंग करने जा रहे हैं। उसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे ये सामने इधर 100 रुपए की सेल लगी है, इधर 200 रुपए की सेल लगी है, और इधर जो है 300-400 की सेल लगी है, और इधर भी 50-50 रुपए 80-80 रुपए की सेल लगी है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है लास्ट दिन लगती है सेल। चलिए गाइस चलते हैं बाहर की तरफ, वीडियो एडिट करते हैं और आप लोगों के लिए देखने के लिए इसे अपलोड करते हैं, और फिर थोड़ा सा रील्स बनाने की सोच रहे हैं। अभी एक ही रील्स बनाई थी, उसके बाद आप लोगों को रील्स दिखाते हैं भाई, जो हमारे इंस्टाग्राम के फैन भी हैं, जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। यहाँ तो कालीन भी हमारे भाई लोगों ने ली है यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पर कालीन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ देखो कितना हराम पन चल रहा है। इधर 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 गाइस, हम मेले के बाहर आ चुके हैं, और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं भैया जल्दी आ जाइए, क्योंकि मेला जो है कल शाम तक पूरा मैदान खाली चाहिए। तो आप लोग इससे पहले मेला हट जाए तो जल्दी आ जाइए, क्योंकि इस मेले में बहुत ही बढ़िया बढ़िया सस्ता सामान मिल रहा है। आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया होगा, मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से सेल के हिसाब से जो है सामान बिक रहा है, हर सामान सेल के हिसाब से बिक रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड।